नमस्कार दोस्तों, रोहित मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास एक डिस्कवर 100 सीसी बाइक आई हुई है और दोस्तों इस बाइक में समस्या है कि ये स्लो आरपीएम पे रुक नहीं रही है। इसका दोस्तों इंजन 2 दिन पहले किसी मैकेनिक ने बनाया है, तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या समस्या। देखिए दोस्तों, हमने कार्बोरेटर खोला दोस्तों, तो ये क्या है कि इस तरीके से बहुत बुरी तरह से दोस्तों टूटा है और इसमें दोस्तों बांड लगाकर, देखिए इस तरीके से बांड लगाकर और चिपका दिया गया था, लेकिन दोस्तों टूटने के कारण ये बाइक एयर ले रही थी बगल से और दोस्तों ये स्लो आरपीएम पे नहीं बाइक रुक रही थी। तो हमने देखिए ये नया मंगवाया। और दोस्तों इस बाइक में एक और समस्या है, ये बाइक चलती रहती है उसके बाद भी दोस्तों कार्बोरेटर से पेट्रोल गिरता है एयर पाइप से। देखिए दोस्तों इस तरीके से, देखिए यहाँ से दोस्तों पेट्रोल गिरता है। अगर दोस्तों बाइक चलती है, अगर न ध्यान दिया जाए, पेट्रोल को नहीं बंद किया जाए, तो दोस्तों अगर ये साइलेंसर पे गिरेगा तो दोस्तों ये आग लगने का चांस बढ़ सकता है और दोस्तों हो भी सकता है, आग लग भी सकती है बाइक में। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या समस्या है। अगर दोस्तों बाइक लगभग 70 से 75 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है तो आप इसको कार्बोरेटर ही चेंज कर दें, और नहीं तो दोस्तों देखिए जल्दी ये फ्रूट पिन ख़राब होता है और वो नया डालने के बाद भी नहीं सही होता। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें इस वीडियो में लगभग 2-3 जुगाड़ बताएंगे कैसे सही करना है। और देखिए दोस्तों, हमने कार्बोरेटर को खोला तो देखिए इसमें कचड़ा है और इस कारण से भी दोस्तों कार्बोरेटर से पेट्रोल गिरता है। देखिए इसके जो चेंबर में इतना कचड़ा है, इसके कारण भी दोस्तों पेट्रोल गिरता है। और दोस्तों अगर आपके पास अगर साफ़ करने से कार्बोरेटर सही हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों अगर आपके पास एमरी हो और इसको माचिस की तीली पे लगाकर इस तरीके से घुमा देंगे तो दोस्तों ये लगभग 99% लगभग दोस्तों ये सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास एमरी नहीं है तो आप माचिस की तीली को भी इस तरीके से घुमा के सही कर सकते हैं। और दोस्तों इस जुगाड़ से भी अगर नहीं सही होता तो हम दोस्तों आगे वीडियो में 2-3 जुगाड़ और बताने वाले हैं। तो लगभग दोस्तों ये जुगाड़ कामयाब हो जाता है और ऐसा करने से दोस्तों जो फ्रूट पिन का घाट होता है, जहाँ पे फ्रूट पिन बैठता है वहाँ पे अगर कचड़ा होता है तो वो दोस्तों क्या है कि सही हो जाता है, हट जाता है और क्या है कि पेट्रोल दोस्तों नहीं गिरता। अगर दोस्तों उसके बाद भी गिर रहा है तो दोस्तों ये देखिए जो आदमी को पानी चढ़ाया जाने वाला पाइप है उसको दोस्तों इस जगह पे काट कर इतना सा, देखिए दोस्तों इतना सा लगा देंगे। ये दोस्तों दूसरा जुगाड़ है, अगर एमरी लगाने से ये तीली से नहीं बंद हो रहा है दोस्तों तो इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे तो भी समस्या दोस्तों दूर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर उसके बाद भी नहीं बंद हो रहा है तो उसके पीछे एक भी लगाने, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी काट करके वो पाइप लगा देंगे तो दोस्तों 100% लगभग ये बंद हो